मैं मानता हूं अब वीआईपी नहीं, मेरे लिए तो ईपीआई है। और जब मैं ईपीआई कहता हूं तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, और यही हो रहा। और लाल बत्ती से लेकर हर एक्शन में वीआईपीज़म को खत्म करने का मेरा प्रयास रहा है। कुछ चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से आप ये चाहोगे कि भाई देश के राष्ट्रपति जी ऐसे फुटपाथ पर पैदल चले जा रहे, ऐसा तो मैं नहीं चाहूँगा, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। लेकिन हमारा कुछ अब देश वैक्सीनेशन हुआ, जीवन मरण का सवाल था कोविड का, मैं भी वैक्सीन ले सक रहा था, लेकिन मैंने तय किया कि मेरा जो नियमों में नंबर लगेगा उसी दिन मैं जाऊंगा, और मैंने तब तक वैक्सीन नहीं लिया था। इतना ही नहीं साहब, मेरी माताजी 100 साल की हुई, मेरी माताजी का स्वर्गवास सरकारी अस्पताल में हुआ, उसने आखिरी जीवन में कभी उसको अस्पताल जाना नहीं पड़ा, आखिरी जाना पड़ा एक वीक के लिए, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में गई। और उस दिन मैं था, और आप गाड़ी में, जिस गाड़ी में जा रही थी, गाड़ी भी बहुत मामूली सी गाड़ी थी, मैं देख रहा था उस दिन। और उसकी अंत्येष्टि भी जो सरकारी स्मशान गृह होता है पब्लिक का, वहीं किया। तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ मैं अपने व्यवहार से जितना कर सकता हूं मैं करता हूं।